हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, पंचायत सचिव भर्ती के लिए 2 केंद्रों पर होगा टाइपिंग टेस्ट। तो पंचायत सचिव भर्ती के इस अपडेट में ये बताया गया है कि पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट प्रदेश के 2 केंद्रों में करवाया जाएगा। हिमाचल तकनीक शिक्षा बोर्ड ने टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेज दिए हैं। शिमला ITI में शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के चयनित अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट देना होगा। और इसी प्रकार कांगड़ा की शाहपुर ITI में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू के अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देंगे। एक दिन में अभ्यर्थियों के 4 बैच बनाकर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। प्रत्येक बैच में 30 अभ्यर्थी होंगे। अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के आधार पर 15 अंक दिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 20 से 22 जुलाई तक पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट की तारीख तय की है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा जी ने कहा कि टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी अभ्यर्थियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। हर रोज टेस्ट के लिए 4 बैच में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की गति के हिसाब से टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, एक अन्य अपडेट कैबिनेट मीटिंग से रिलेटेड है। तो 20 को नहीं, अब 27 को होगी कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर जाएंगे, इस कारण 20 जुलाई को तय की गई कैबिनेट मीटिंग फिलहाल टाल दी गई है। अब अगली तारीख 27 जुलाई की तय की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभवतः 21 जुलाई को दिल्ली जाएंगे। वहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से दिए जाने वाले प्रीति भोज में शामिल होंगे। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में ही होगी। CM जयराम ठाकुर के निर्देश पर मुख्य सचिव RD धीमान ने सरकार के समक्ष पैंडिंग मामलों पर बैठकें शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव की अगुवाई में OPS को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इसकी बैठक भी मुख्य सचिव ने ले ली है। दोस्तों, बैठक टलने की एक वजह ये भी है कि कैबिनेट के लिए एजेंडा ही नहीं बन पाए थे, क्योंकि पिछली मीटिंग 14 जुलाई को हुई थी और 6 दिन के बाद मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक करने से पहले राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं और मुख्य सचिव ही बदल दिए गए हैं। ऐसे में विभागों को एजेंडा तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नई बात यह है कि इस बैठक में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों के मामले को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इस मामले में वित्त विभाग का अपना काम अभी फाइल पर पूरा नहीं हो पाया है। और साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो ये मामला कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 2 रोज़ पहले हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सिफारिशें फाइनल नहीं हो पाई हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स को संशोधित UGC स्केल देने का मामला इस बैठक में जरूर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।